हेलो एवरीवन, ऐसे 530 के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था कि एक्सटेंट ऑफ चेकिंग मैटर ऑफ पीजी होता है, इसमें ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना होता है लेस देन 100% पे, इस तरीके से कि हर सैंपल के सेलेक्ट होने के, हर सैंपलिंग यूनिट के चांस इक्वल होने चाहिए, सैंपल जितना बड़ा होगा उतना अच्छा उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, सैंपल प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का और उतना मीनिंगफुल रिजल्ट मिलेगा। आई बात समझ में? फिर ऑब्जेक्टिव के अंदर अपन ने देखा कि अपन कंक्लूजन ड्रॉ करते सैंपल पे, उसे अप्लाई करते पॉपुलेशन पे, तो ड्रॉ करते कंक्लूजन यूजिंग सैंपल, ठीक है, सैंपल का यूज करके इसके कंक्लूजन ड्रॉ करते अबाउट, ठीक है, तो सैंपल की स्टडी करके पॉपुलेशन पे कंक्लूजन ड्रॉ करना, सैंपल को टेस्ट करके पॉपुलेशन पे कंक्लूजन ड्रॉ करना, ये ऑब्जेक्टिव है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन दो वर्ड होते हैं, दो चीज़ होती है, इसका एक चैप्टर भी आता है एमकॉम वाले बच्चों को स्टेट के अंदर। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि अगर मान लो तुम्हें 10 साल का डेटा गिवन है और 1 साल का डेटा मिसिंग है और वो डेटा तुम्हें मालूम करना है क्या होगा, तो तुम जितने भी तुम्हारे पास डेटा अवेलेबल है उसकी तुम स्टडी करोगे, स्टडी करके मालूम करोगे कि वो कैसे चलते हैं डेटा, ठीक है, तो सारे डेटा की स्टडी करके जो मिसिंग डेटा उसको फाइंड आउट करोगे, उसे बोलते हैं इंटरपोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है, खैर अपने काम की बात नहीं हो तो वर्ड आया इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कल क्लास के बाद पूछा था एक बच्चे ने। अब मान लो 10 साल का डेटा है और 11वें साल का निकालना है, तो 10 साल के डेटा की स्टडी करके 11वें साल का अपन निकाले तो उसे एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर सैंपल की स्टडी करके पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ करते, ठीक है। चल, स्कोप के अंदर आता है स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, इसके बारे में अपन कल पढ़े थे, ठीक है, ये कल अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ था स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। खैर, ये पढ़ने से पहले इसको देख लेते, ये क्या लिखा हुआ है कि 500 ने मींस बताए थे, सेलेक्ट करने के मींस बताए थे तीन, 100% स्पेसिफिक आइटम और ऑडिट सैंपलिंग, ये तीन मीन बताए थे। तो जो तीसरा वाला था ऑडिट सैंपलिंग, उसके लिए पूरा एक ऐसे बनाया गया 530, तो 530 कॉम्प्लीमेंट करता है 500 को, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब होता है एंटायर सेट ऑफ डेटा, ठीक है, जिसमें से सैंपल सेलेक्ट करेंगे और पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, पॉपुलेशन कार होनी चाहिए, ठीक है, सी मतलब कंप्लीटनेस, ए मतलब अप्रोप्रिएटनेस और आर मतलब रिलायबल, एक वर्ड याद रखना नीड टू बी, ठीक है, पॉपुलेशन नीड टू बी अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब सबसे पहले बात आती है अप्रोप्रिएट की, तो अप्रोप्रिएट के अंदर अपन ऊपर वर्ड पढ़े थे रिलायबिलिटी और रेलेवेंस, तो रिलायबिलिटी का तो एक पॉइंट है, तो यहाँ पर रेलेवेंस की बात करेगा, तो जो पॉपुलेशन है, मतलब जो पॉपुलेशन है वो अप्रोप्रिएट हो, इसका मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ रेलेवेंट हो, जैसे ओवर स्टेटमेंट है तो उसके हिसाब से रेलेवेंट कौन सी पॉपुलेशन होगी, अंडर स्टेटमेंट चेक कर रहे तो उसके हिसाब से कौन सी होगी, तो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ, हमारे डिसीजन के साथ क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट, ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग इसको अफेक्ट करेगा। चलो, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि पॉपुलेशन इंक्लूड करे सारी आइटम, कंप्लीट आइटम, ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्लूड करे और रेलेवेंट आइटम। अप्रोप्रिएट के अंदर देखा कि रेलेवेंट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, इंक्लूड करे और रेलेवेंट आइटम, रेलेवेंट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, कंप्लीटनेस में इंक्लूड करे और रेलेवेंट आइटम, ठीक है, अगर हर रेलेवेंट आइटम इंक्लूड करेगा तभी जाकर हमारा कंक्लूजन रीजनेबल होगा, ठीक है, तो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद रिलायबल, रिलायबल होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एक्यूरेसी, वहाँ आता है नेचर और सोर्स, यहाँ आएगा एक्यूरेसी और सोर्स, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद सोर्स से आया हो, एक्यूरेट डेटा हो, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक, हर जगह रेलेवेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। अप्रोप्रिएटनेस, पॉपुलेशन रेलेवेंट कब होगी, मतलब अप्रोप्रिएटनेस बोलता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ रेलेवेंट होना चाहिए, कंप्लीटनेस बोलता है कि हर रेलेवेंट आइटम को इंक्लूड होना चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस बोलता है हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ रेलेवेंट होना चाहिए, कंप्लीटनेस बोलता है हर रेलेवेंट आइटम इंक्लूड होना चाहिए, और रिलायबल बोलता है कि अगर रिलायबल नहीं होगी तो रेलेवेंट नहीं होगी, ठीक है। चलो, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस। अब सैम्पलिंग यूनिट का मतलब देखा था, इंडिविजुअल आइटम डेट मेक्स अप पॉपुलेशन, ठीक है, डिवाइड पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं अपन वेराइटी ऑफ यूज एज एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। चलो, फिर आए थे अप्रोच, ये रहा अप्रोच की बात कर रहे थे अपन यहाँ पर। स्कोप के अंदर हम ये देखते हैं कि अपन ये दो तरीके क्या अप्रोच यूज़ कर सकते, ठीक है,
और इसको कहाँ यूज़ करेंगे, तो कहाँ यूज़ करेंगे तो बोलता है डिज़ाइनिंग और सेलेक्टिंग में यूज़ करेंगे। यानी एक बात याद रखना, इन दोनों टेक्निक को, इन दोनों अप्रोच को अपन लोग यूज़ करते हैं ऑब्टेन और इवेल्युएट में, ऑब्टेन ऑडिट और इवेल्युएट रिजल्ट। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं ऑब्टेन करने में, इवेल्युएट करने में, कब करते हैं? टीओसी टीओडी दोनों में करते, एपी में नहीं करते। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं? सैंपल लेने में करते हैं, या ऐसे बोल दो, हाँ चलो सैंपल लेने में करते हैं और इवेल्युएट करने में, ऑप्टेन और इवेल्युएट दो जगह यूज़ करते हैं। साथ में कहाँ कहाँ करते हैं यूज़? टीओसी और टीओडी, ये दो चीज़ में यूज़ करते हैं। टीओसी में यूज़ करोगे तो डेविएशन मिलेगा, टीओडी में करोगे, ये अपना पर्पस होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना मिसस्टेटमेंट और डेविएशन, टीओसी में अप्लाई करके डेविएशन फाइंड आउट करते हैं और टीओडी में अप्लाई करके क्या अप्लाई करके इसको, इसमें से कौन सा यूज़ करना है? मैटर ऑफ पीजे है, नॉट अ मैटर ऑफ साइज। ठीक है, सैंपल साइज के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया जाता कि सैंपल साइज के हिसाब से सेलेक्ट करें, मैटर ऑफ पीजे होता है। चलो अब यहाँ से बात शुरू करते हैं आज अपन। तो कल की कहानी सुनाई थी मैं तुम्हें कि पहले के टाइम पे क्या होता था, ट्रेडिशनली क्या होता था, ये कहानी बहुत ध्यान से सुनना, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। पहले के टाइम पे ऑर्डर क्या करता था, क्या करता था पहले के टाइम पे? ट्रेडिशनली 100% चेक करता था। ठीक है, तो ट्रेडिशनली ऑडिटर सारे ही इनवॉइस चेक करता था। ठीक है, मगर ये तरीका बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, अनईजी है, ठीक, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा लेबर, बहुत ज़्यादा टाइम, लेबर ये से टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट है। ठीक है, और ये करने के बाद भी जो तुम्हें एविडेंस मिल रहे हैं वो कंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद भी जो एविडेंस मिल रहे हैं तो कोई कंक्लूसिव है क्या? कि कंक्लूसिव होते तो फिर यही करो, समझ रहे हो? तो ये करने के बाद भी कौन से कंक्लूसिव मिल रहे हैं? ठीक है, आई बात समझ में? बहुत सी बार टीचर बोलता है इतना पढ़ने के बाद भी कौन से नंबर आ रहे हैं? ठीक है, जो तुम इतना पढ़ के जा रहे हो, भले कम पढ़ो मगर क्वालिटी वाला पढ़ो, आई बात समझ में? तो देखो 100% चेकिंग कर रहे हो तो डिफिकल्ट होता है, अनईजी होता है, लेबरियस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, इसीलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा कॉस्टली भी होता है। अपन क्या करते हैं इसको 100% चेकिंग को करने से जो हमें एविडेंस मिलता है वो एविडेंस कैसा? कंक्लूसिव नहीं होता। तो वो एविडेंस कंक्लूसिव नहीं होता, उसके बेसिस पे जो अपन अश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, दूसरे को अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, वो भी रीजनेबल ही है। कौन सा एब्सोल्यूट कर दोगे 100% चेकिंग करके? क्या तुम 100% चेकिंग करके एब्सोल्यूट कर दोगे क्या? नहीं। तो पहले के ऑर्डर ये किया करते थे, तो आईसीआई ने कहा यार इसमें एक दिक्कत है, अपन ये करते रहे तो कौन से अपन को कंक्लूसिव मिल जाते और कौन सा एश्योरेंस एब्सोल्यूट बन जाता है? तो ना तो कंक्लूसिव मिलते हैं एविडेंस और अपना एश्योरेंस रीजनेबल ही रहता है, एब्सोल्यूट भी नहीं रहता। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए, ये सब डिफिकल्टी को देखते हुए अपन ने क्या किया, सैम्पलिंग लेकर आए। क्या लेकर आए? ऑडिट सैम्पलिंग अपन लाए। यहाँ तक बात समझ में? कहानी समझ में आ रही, चल क्या रहा है? अब जब ऑडिट सैम्पलिंग लेकर आए तो कौन सी सैम्पलिंग का चलन चला? स्टेटिस्टिकल या नॉन स्टेटिस्टिकल? ऑब्वियसली नॉन। अरे स्टेट तो तुम्हारा सब्जेक्ट ही बाहर हो जाता है फाउंडेशन में पढ़ने के बाद। ठीक है, अब स्टेटिस्टिकल बोलता है कि मैथमेटिकल लॉ वगैरह का यूज़ करो, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वगैरह का यूज़ करो। तुम बोलते हो फाउंडेशन में तो यही छोड़ा था हमने चैप्टर, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ से यूज़ करे उसका? और पढ़ा भी था तो सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ा था, ऐसा तो नहीं कुछ हमें आता है। ठीक है, इसीलिए जो सैम्पलिंग चलन में आएगी वो कौन सी आएगी? तुम सोचो ना यार, तुम भी तो सीए कर रहे हो, तुम अभी इंटर में आए, अब तुम सीए फाइनल में जाओगे, तुम्हें स्टेट पढ़ाई जाएगी कहीं पे? नहीं। अब इससे से तुम्हारा स्टेट इतना खत्म हो चुका है कि कहाँ फाउंडेशन में पढ़ी, अभी कोई सीए फाइनल के बच्चों को उठाकर पूछ लेना फाउंडेशन का, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले जाना उसके पास, ठीक है, उसके आंखों में से आंसू ना आ जाए तो क्या क्या लिया है बेटा यार ये? तुम बोलो सर आप तो सीए फाइनल में भैया, ठीक है, भैया बोलेंगे बेटा यही मत पूछ बस, ठीक है, ये मुझे पता नहीं मैं कैसे पढ़ के गया था इसको। तो बेटा अपना जब रिश्ता ही नहीं होता है स्टेट के साथ, अपन सारे रिश्ते खत्म करके आ चुके होते हैं, आगे बढ़ गए होते हैं, अब अपन को रिश्ता रखना ही नहीं है, है ना? ना तो होता है, ना अपन इतने इंटरेस्टेड है कि अपन रिश्ता रखे, ठीक है।
रखना पड़ेगा रिश्ता। हाँ तो बेटा ट्रेडिशनली 100% से कहाँ पर आया अपन? सैम्पलिंग, कौन सी वाली पे? अब फिर आता है स्टेटिस्टिकल। नॉन स्टेटिस्टिकल में क्या हुआ, हर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से काम करने लगा, पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज। ठीक है, अब पर्सनल एक्सपीरियंस नॉलेज पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, सब्जेक्टिव मैटर हो गया, ये ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई। सुनते जाना, बहुत शानदार कहानी, सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे अपने आप। अभी जो नॉन स्टेटिस्टिकल यूज़ कर रहे ना, नॉन स्टेटिस्टिकल बेटा वर्ड है स्टेट, स्टेटिस्टिकल लो मैथमेटिकल लो का यूज़ ही नहीं कर रहे। स्टेटिस्टिकल लो वगैरह तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होते, हाँ साइंटिफिक होते, याद रखना ये वर्ड, याद रखना ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, अब क्या होने लग गया, अपन यूज़ करने लगे किसका? नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज़ करने लगते। ठीक है, अब यहाँ हर ऑडिटर क्या करता था, अंडरस्टैंडिंग वगैरह लेता। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट में कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग, एनडीटी की अंडरस्टैंडिंग, ये सब लेकर अपने एक्सपीरियंस अपने नॉलेज के हिसाब से, और उसका जो पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है, उसने जो ऑडिट वगैरह किए उसमें जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, ये सारे एक्सपीरियंस वगैरह को नॉलेज वगैरह को यूज़ करके सैंपल लिया करता था। ठीक है, अब मान लो 10,000 इनवॉइस है, ठीक है, और 100 ऑडिटर को लगा दिया जाए, 100 ऑडिटर से पूछ लिया जाए भाई सैंपल बताओ, तो हर एक ऑडिटर अलग अलग सैंपल बताएगा, कोई बोलेगा 100 ले लो, कोई बोलेगा 200 ले लो, कोई बोलेगा 150 ले लो, कोई बोलेगा इतने ले लो। आई बात समझ में? क्योंकि सब्जेक्टिव वाली बात है ना, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। मान लो कोई सॉफ्टवेयर हो तो हर बार सेम आंसर देगा, समझ रहे हो? आज तुम लोग जो भी कैलकुलेटर पे कुछ भी काम करते हो, ठीक है, हर बार तुम जो भी करते हो उसका आंसर कैलकुलेटर हर बार सेम ही देता है। कोई भी मशीन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसका काम एक ही जैसा होता है कि जब भी तुम ये कुछ भी करोगे, सर्च वगैरह करोगे या कुछ भी, तो सेम आंसर देगा बार बार। ठीक है, तो भाई ये लोग सारा काम करने लग गए पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस से, इसमें सब्जेक्टिविटी बढ़ गई, ऑब्जेक्टिविटी कम हो गई। ठीक है, पर्सनल बायस आ गया, ठीक है, जजमेंट टू प्रोफेशनल, पर्सनल बायस आ गया। अब इन सबको दूर करने के लिए स्टेटिस्टिकल मेथड बनाए गए। अब स्टेटिस्टिकल मेथड बना भी लेंगे तो अपन यूज़ करेंगे क्या? हाँ, तुम प्रोबेबिलिटी थियरी वगैरह इसका यूज़ करोगे क्या? जाना तुम ऑडिट करने, जाना देखना तुम कितना यूज़ करते हो, मेरे को कॉल करके बताना ये बात। तो क्या हुआ भैया, उन लोगों ने देखा ये तो कुछ यूज़ करने वाले हैं नहीं, अब कई सारे टूल्स बन गए। ठीक है, कई सारे टूल्स, तो आज तुम सर्च करोगे ऑडिट टूल्स, अपने ऑडिटर के टूल्स आ जाएंगे, वो कौन सा भी सॉफ्टवेयर परचेस कर सकता है। इवन एक्सेल तो सबसे बड़ा साथी है अपना, सबसे बड़ा साथी, वी लुकअप, पाइवट टेबल, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें उसके अंदर आती है जो अपन को बहुत हेल्प करती है। ठीक है, पाइवट टेबल और वी लुकअप वगैरह तो अपन को बहुत हेल्प करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सारा अरेंज कर लेते हैं, ये सारे जो एक्सेल के फॉर्मूले वगैरह है, ठीक, ये अपन को किस में हेल्प करते हैं, ये अपन को सॉर्टिंग करने में हेल्प करते हैं। वो तो बताया था ना 80-20, कि 20% आइटम ऐसी होती है जो 80% वैल्यू को कवर करके बैठी होती है, 20% आइटम 80% वैल्यू, मतलब 20% को चेक कर लिया तो 80% कवर कर लिया, अब बचा सिर्फ 20% वैल्यू कवर करना। ठीक है, तो 80% में से थोड़ा बहुत सैंपल ले लो, तो ये पूरा छटनी करने का काम एक्सेल कर देता है अपना। ठीक है, इतना शानदार, तो एक्सेल अपन को बहुत काम आता है, तो ये सारा काम अब सॉफ्टवेयर करने लग गया। और मैं तुम्हें बताया था सॉफ्टवेयर में करते क्या है अपन, देखो ट्रेडिशनल 100% चेकिंग ट्रेडिशनल, वहाँ से अपन आए कहाँ पर, नॉन स्टेटिस्टिकल। ठीक है, अब जो ज़माना चला तो नॉन स्टेटिस्टिकल भी आज के हिसाब से क्या बन चुका है, ट्रेडिशनल। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड था 100% चेकिंग, उसके बाद कौन आया, क्योंकि नॉन स्टेटिस्टिकल तुमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि तुम्हारे लिए नॉन स्टेटिस्टिकल क्या था, स्टेटिस्टिकल का कंपेयर में ईजी था, सिंपल था, सारे वर्ड याद रखना। ठीक है, ईजी था, सिंपल था, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक, ये जितने वर्ड बोल रहा हूँ सब याद रखना। अब इस पे पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स आएंगे तो खैर अपन ने न्यूमेरिक्स तो बनाए हैं, लेकिन वो पॉइंट्स इतने कॉमन नेचर के हैं कि तुम्हें न्यूमेरिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसके लिए। ये जो बोल रहा हूँ ना बातें, मतलब ये पूछेगा कि भाई इन दोनों में फ़र्क बताओ, डिफरेंस बताओ, अच्छे बुरे की बात करेगा तो बता देंगे भाई ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, साइंटिफिक तरीका यूज़ नहीं करते, पर्सनल बायस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अच्छी बात बताओगे, सिंपल है यूज़ करना, सिंपल है ना, अरे तब तुमने यूज़ क्यों किया इसका सबसे पहले, क्योंकि ये सिंपल था, ईजी था तुम्हारे लिए। आई बात समझ में? अब स्टेटिस्टिकल टूल्स आए तो हम इसका मेथड का यूज़ करने लग गए। अब इसमें क्या था, सॉफ्टवेयर वगैरह भी आ गया हमारे पास, एप्लीकेशन वगैरह आ गई, तो एप्लीकेशन में हम लोग हमारा रिस्क असेसमेंट वगैरह जो करते थे वो सारा फीड करते। ठीक है, कितना पॉपुलेशन है, 10,000 इनवॉइस है या 1,00,000 इनवॉइस है, वो फीड करते, तो ये अपन को बताता कि रिस्क के हिसाब से कम कितना सैंपल आपको लेना चाहिए कम से कम। तो जो रिस्क आपने असेस किया है ना,
उसके हिसाब से कम आपको 10,000 बिल में से, 10,000 इनवॉइस में से 200 सैंपल लेना चाहिए। फिर वो ये भी बताएगा कि 200 से कम लोगे तो रिस्क इतना बढ़ेगा, 200 से ज़्यादा लोगे तो रिस्क इतना कम होगा, मतलब रिस्क को मेजर भी कर रहा है। तो अपने रिस्क का मेजरमेंट बढ़ा दा, ये रहा द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिस्क को मेजर करना सीखा अपन ने, ठीक है। साथ में अपन ने रैंडम नंबर जनरेटर देखा था, वो जनरेटर के यूज से अपन लोग सैंपल लेना सीखे, तो सैंपल सिलेक्शन साइंटिफिक हो गया, है ना, साइंटिफिक हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिविटी आ गई इसमें, इसमें ऑब्जेक्टिविटी आ गई। अब सॉफ्टवेयर क्या काम कर दे रहा है, सॉफ्टवेयर अपन को पहले तो सैंपल की साइज बता रहा है, सैंपल की साइज पता होगा फिर सैंपल लेंगे, समझो बात को, ठीक है। तो सैंपल की साइज बता रहा है और साइज के साथ साथ अलग अलग तरह के रिस्क भी बता रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है, रिस्क भी बता दे रहा है, सैंपलिंग रिस्क होगा वो, नॉन सैंपलिंग नहीं, नॉन सैंपलिंग तो अलग होता है। तो सैंपल की वजह से सैंपलिंग रिस्क आता है, वो कौन कौन से रिस्क है, और एक होता है नॉन सैंपलिंग रिस्क, ठीक है, वो फिर अलग चीज़ है, वो अदर देन सैंपलिंग रिस्क होता है, ये बात तुम्हें बताइए, गलत प्रोसेस परफॉर्म कर लेना वो सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग रिस्क है, ठीक है। चलो अब मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग रिस्क, मेजर कर रहा है, सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल सेलेक्ट करने के बाद उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, उसमें भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यूज ऑफ, अब इवेल्युएट करना बताया था कल सिंपल भाषा में कि अगर 1,000 बिल है 100 लिए, 100 में मेरे को 20,000 की गलती मिली तो 1,000 में 2,00,000 तक की हो सकती है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें सिंपल प्रोजेक्शन समझाया, डिटेल में तो अपन नीचे पढ़ेंगे इसको, ये सिंपल तरीके से भी समझाया मैंने, ठीक है। ये प्रोजेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से करते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि सैंपल पे कंक्लूजन आया, ठीक है, उसे अप्लाई करना किस पे, पॉपुलेशन पे, एंटायर पॉपुलेशन पे। तो सैंपल पे ये कंक्लूजन आया कि 1,000 में से मैंने 100 बिल लेकर जब चेक किए तो मेरे को 20,000 की गलती मिली, तो मैंने कहा यार जब 1,000 में से 100 बिल में ही 20,000 की मिल रही है तो 1,000 में तो ज़्यादा की मिलेगी, ठीक है। अब 100 में अगर 20 की मिल रही है तो 1,000 में कितने तक की होनी चाहिए, कितने तक की एक्सपेक्टेशन, तो अपन ने देखा यार 2,00,000 तक की, सिंपल तरीका बिल्कुल, तो 2,00,000 तक की होनी चाहिए, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन करना, ठीक है। तो सैंपल के कंक्लूजन को पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट किया, अप्लाई किया, और अप्लाई करने से उसका रिजल्ट आया, ठीक है, वो कहलाता है पॉपुलेशन का कंक्लूजन, सैंपल के कंक्लूजन से कहाँ पहुँचते हैं, पॉपुलेशन के कंक्लूजन पे, कैसे, उसको अप्लाई करके किस पे, पॉपुलेशन पे। तो सैंपल के कंक्लूजन को पॉपुलेशन पे अप्लाई करके पॉपुलेशन के कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, समझ गए, ये एक पूरा सिस्टम होता है, पूरा एक तरीका होता है, आई बात समझ में। तो ये इवेल्युएट समझ में आ गया क्या होता है इवेल्युएट, हाँ बेटा बोल, हाँ कर दे इसको 22-24। अब कल अपन ये बन लिए थे, हाँ अप्रोच क्या होता है, अप्रोच और टाइप्स स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल ऑप्टेन और इवेल्युएट करने के लिए होते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, यहाँ सिलेक्शन होगा रैंडम, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज किया जाएगा, MNS मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन होगा रैंडम, ठीक है, सिलेक्शन का मतलब ऑप्टेन करना, और इवेल्युएट करेंगे यूजिंग प्रोबेबिलिटी थियरी, और मेजरमेंट करेंगे सैंपलिंग रिस्क का यूजिंग प्रोबेबिलिटी थियरी, तीन पॉइंट आए थे ना। सबसे पहला सिलेक्शन होगा रैंडम, इवेल्युएट करेंगे यूज प्रोबेबिलिटी थियरी, मेजरमेंट ऑफ रिस्क यूज इवेल्युएट करेंगे यूज प्रोबेबिलिटी थियरी, मेजरमेंट करेंगे यूज, ये तीनों स्टेप समझ में आती है तुम्हें, हाँ। हमारा सॉफ्टवेयर ये काम पहले कर देता है, तीसरा काम पहले कर देता है, ये कोई स्टेज नहीं है, ये हमारा सॉफ्टवेयर ये काम पहले ही कर देता है, सैंपलिंग रिस्क का मेजरमेंट। हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं रैंडम और फिर उसका इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। आओ आगे बढ़े, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बहुत साइंटिफिक, एक तरीके से मान लो फीचर्स भी है और वो एडवांटेजेस भी है, एडवांटेज तो अलग से आएंगे नीचे, सब पता है इसको, हाँ हाँ, तो ऐसे बोलता है ये एडवांटेज ऑफ, ऊपर पढ़ा दिया ऐसे ही शॉर्ट में तुम्हें, छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, आ जाओ। बोलता है
ये मोर साइंटिफिक अप्रोच है. इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, मैथमेटिकल लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो अपन लोग मैथमेटिकल लॉ का यूज करते सैंपल साइज डिटरमिन करने में. ठीक, चलो वाइड एप्लीकेशन है. वाइड एप्लीकेशन वेयर अ पॉपुलेशन टेस्टेड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम. जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम हो, बेटा सिमिलर आइटम को होमोजीनियस बोलते हैं. ठीक है, हर होमोजीनियस टाइप ट्रांजेक्शन के अंदर सबसे बढ़िया सैम्पलिंग वाइड एप्लीकेशन है स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में. ठीक है, अरे जब होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो रैंडम सैंपल सबसे बढ़िया रहता है. हाँ, रैंडमली कितने भी आइटम ले लो, ठीक है, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे ही बनेंगे. हेट्रोजीनियस में दिक्कत आती है, फिर हेट्रोजीनियस में भी अपन उसको होमोजीनियस बनाते हैं. जैसे मेरे पास पूरा स्कूल खड़ा है अभी, तो जो बच्चे मेरे पास खड़े पूरे स्कूल के बच्चे वो हेट्रोजीनियस है. मैं अगर उनको क्लास वाइज डिवाइड कर दूंगा क्लास वाइज तो होमोजीनियस बन जाएंगे. समझ में आया? चलो अब वाइड एप्लीकेशन मेरा पॉपुलेशन. हाँ, इसका एप्लीकेशन वाइड एप्लीकेशन है. कहाँ कहाँ पर यूज होता है? लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम एंड मोर इन द केस ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लायंस टेस्टिंग. TOC में ज्यादा यूज करते हैं इसका. वैसे भी TOC सैंपल बेसिस पे टेस्ट होता है, ये अपन कब से पढ़ चुके हैं. और अपन 100% आइटम में पढ़े कि 100% आइटम TOC के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, अनलाइकली इन TOC एंड मोर यूज इन TOD, है ना. इसीलिए जब 100% ज्यादा अच्छा नहीं है तो सैम्पलिंग ज्यादा अच्छा होगा. 100% का उल्टा सैम्पलिंग तो ज्यादा अच्छा होगा, तो वही बताएगा ना. कंप्लायंस टेस्टिंग में ज्यादा अच्छा है. ट्रेड रिसीवेबल कंफर्मेशन, कभी भी 100% कंफर्मेशन नहीं मंगवाते, कभी नहीं. सैंपल बेसिस पे ही कंफर्मेशन मंगवाते. आई बात समझ में? डेटर का जो कंफर्मेशन मंगवाते सैंपल बेसिस पे ही मंगवाते. हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारे डेटर ही 12-15 है और सब लार्ज नंबर ऑफ डेटर है. खैर, ऐसा होता नहीं है. जनरली और हमेशा कंफर्मेशन अपन सैंपल बेसिस पे ही मंगवाते. सारे डेटर से कंफर्मेशन मंगवाने बैठ नहीं जाएंगे. पेरोल चेकिंग, वाउचिंग ऑफ इन्वॉइस को वाउच करने के टाइम पे इन्वॉइस भर भर के होते हैं अपने पास. ठीक है, लाखों में होते हैं. एंड पेटी कैश वाउच है. चलो, तो वाइड एप्लीकेशन है, इतनी जगह में यूज़ करते हैं अपन इसको. ठीक, उसके बाद बोलता है कोई पर्सनल बायस नहीं होता है बेटा. पेरोल चेकिंग होता है जो अपन अमाउंट पे करते हैं ना अपने वर्करों को. ठीक है, तो उस पेरोल की पूरी लिस्ट होती है. ठीक, अब वहाँ पर अपन पेरोल चेकिंग करने में ये देखते हैं कि भाई कितने वर्करों को किस हिसाब से अपन पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, उनको पेमेंट सही तो जा रहा है, किसी को कम या ज़्यादा ऐसा तो नहीं दे रहा अपन पे. ठीक है, तो ये चेकिंग वगैरह करने के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं. खैर, तुम तो इसमें से 2-3 एग्जांपल भी याद रखोगे तो चलेगा. ठीक है, और सैंपल बेसिस पे टेस्ट करते हैं कि किसी को ज़्यादा तो नहीं दे रहे, पेमेंट बराबर तो हो रहा है, तरीका बराबर तो है, TDS वगैरह जो भी काट करके अपन को देना है, जैसे भी अपन को पे करना है, जो भी इसका बोनस बनता है, इंसेंटिव बनता है, सब चीज़ें सही तो है. ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है पेरोल के अंदर. तुम लोग वो कॉस्टिंग के अंदर पढ़ते हो पूरा चैप्टर एम्प्लॉय कॉस्ट. ठीक है, चलो. नो पर्सनल बायस, पर्सनल बायस नहीं होता. बोलता है इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बढ़िया है लार्जर के लिए, मोस्ट सुटेबल है. क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं. ह्यूज ट्रांजेक्शन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग इज ऑलवेज रिकमेंडेड अनबायस एंड द सैंपल सेलेक्टेड आर नॉट प्रीजज्ड. बताता हूँ प्रीजज क्या होता है. फीचर्स, मैप, MAP, मैप. M मोर साइंटिफिक, A वाइड एप्लीकेशन, और P नो पर्सनल बायस. ठीक है, मोर साइंटिफिक, एप्लीकेशन और पर्सनल बायस, नो पर्सनल बायस. ठीक है, और फिर अदर में बोलता है लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिकमेंडेड है और सिलेक्शन नॉट प्रीजज. ये समझाऊंगा सिलेक्शन नॉट प्रीजज क्या होता है. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मोर साइंटिफिक है क्योंकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करते हैं सैंपल साइज डिटरमिन करने में. सैंपल साइज कितनी रखे उसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करते हैं. ठीक, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम के लिए अच्छा होता है. TOC वगैरह में ज़्यादा बढ़िया होता है. TOC एक्सटर्नल कन्फर्मेशन और वाउचर, बस ये याद रखना. ठीक है, नो पर्सनल बायस. क्यों पर्सनल बायस क्यों नहीं होते? ये साइंटिफिक की वजह से पर्सनल बायस भी नहीं होते. ठीक है, अदर लार्जर के लिए सुटेबल होता है और सेलेक्शन नॉट प्री जज. मतलब क्या?
अगर आज ऑडिटर कहीं पे चेक करने जाए और वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ करे, तो नॉन स्टैटिस्टिकल में क्या होता है, पर्सनल मतलब क्या, कभी कभी क्या करता है ऑडिटर, आदत बना लेता है आदत कि मैं मई सितंबर और दिसंबर के बिल ही चेक करूँ, ठीक है। अब अगर ऑडिटर अपनी कोई आदत बना ले कि मैं मई सितंबर दिसंबर के बिल चेक करूँ, तो ये बात अगर क्लाइंट को पता पड़ जाए तो बस वो मई सितंबर और दिसंबर में कुछ नहीं करेगा। अगर ऑडिटर अपनी आदत बना ले कि मैं मई सितंबर दिसंबर के बिल को ही चेक करूँगा और ये बात क्लाइंट को पता चल जाए, तो क्लाइंट इन्हीं महीनों में कुछ नहीं करेगा बस, अगर फ्रॉड भी करना रहा तो इन महीनों के अलावा में करेगा, समझ गए। इसे बोलते हैं प्री जज, वो पहले जज कर लेगा कि क्या चेक करने वाला है। अब रैंडम है तो इसमें तो खुद ऑडिटर को पता नहीं होता मैं क्या चेक करूँगा, तो क्लाइंट को कैसे पता होगा, समझे। या तो ऑडिटर को ही पता नहीं है कि अभी ये जनरेटर, रैंडम नंबर जनरेटर मुझे कौन कौन से जनरेट करके देगा बिल, कौन से महीने के देगा, कौन से देगा, ठीक है, ये खुद ऑडिटर को पता नहीं होता तो क्लाइंट को कैसे पता होगा। तो यहाँ पर प्री जज नहीं होता, ठीक है। तो कहीं पे अगर कोई पैटर्न अपन बना ले, एक पैटर्न बना ले अपन और अपन उस पैटर्न को फॉलो करें, तो ये गलत होता है तरीका, याद रखना बहुत गलत तरीका होता है। एक पैटर्न बनाकर अगर उसे फॉलो करोगे और ये बात क्लाइंट को पता पड़ गई, ठीक है, तो पहले से ही जज कर लेगा कि तुम करने क्या वाले। क्लाइंट ने अगर तुम्हारे काम को जज कर लिया तो तुम कैसे काम करोगे, क्या काम करोगे, किसे चेक करोगे, किसे नहीं करोगे। तो फ्रॉड करना तो उसके लिए बहुत ईजी था, फ्रॉड करके छुपाना तुमसे बहुत ईजी था, ठीक है। जो चीज़ तुम चेक नहीं करते उसमें फ्रॉड करेगा, इसीलिए तुम देखा करो फ्रॉड जनरली स्मॉल आइटम में होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि लार्ज आइटम तो चेक करेगा ही करेगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम में होता है, प्री जज, बीकॉम के बच्चे प्री जज कर लेते हैं, ठीक है, बीकॉम के बच्चे क्लाइंट और चेकर अपना वो कॉपी चेकर अपना ऑडिटर, बीकॉम के बच्चे बोलते हैं जनरली ये पहली लाइन और आखिरी लाइन चेक करता है, वो सही लिखना, बीच में कुछ भी लिखना, भले गाना लिख देना, अपनी पूरी कहानी लिख देना, ये क्या है, प्री जज ही तो है। अब ये बात बच्चों को पता चल चुकी है कि भाई ऊपर कुछ भी लिखना, ऊपर लिखना है इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि पहली लाइन और लास्ट लाइन में पढ़ता ही पड़ता है, वो पहली लाइन देख लेगा, लास्ट देख लेगा, बीच में से एक आध लाइन देख लेगा तो देख लेगा, बाकी कुछ भी लिखो जो मन में आया, ठीक है। तो बच्चे पहली एक दो लाइन अच्छी लिखकर शुरू हो जाते पागल की तरह कुछ भी, आई बात समझ में। और अगर बच्चों को ये पता पड़ जाए कि वो तो सिर्फ वर्ड देखेगा, कुछ लिखा हुआ हो कुछ लिखा हुआ देखेगा, वो कुछ क्या है वो नहीं देखेगा, अगर ये बात पता पड़ जाए फिर तो तुम समझो टांड हो जाएंगे, फिर तो बच्चा जो लिखना शुरू करेगा, बच्चों खुद को पता नहीं होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ भगवान जानते होंगे क्या लिख रहा है, मतलब उसको रोकना पड़ेगा, मैं अब तो रुक जाए यार, एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है तू, इतने इतने पेजों की शीट दे, 40 पेज दे दिए, इसके बाद भी एक्स्ट्रा मांग रहा है तू, क्या लिख रहा है ऐसा। तो बेटा ऐसे कैसे बच्चे को रोकना मुश्किल हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर बच्चों को लिखाना मुश्किल हो जाता है सीए के एग्जाम में, बीकॉम में रोकना मुश्किल हो जाता है उसको, कि अब तो रुक जाए भैया क्या लिख रहा है, ऐसे पेपर लेकर जो ऐसे लिखना शुरू करता है भाई मानता ही नहीं हूँ, और यह लिखाना मुश्किल पड़ जाता है उसको, उसको बोलते भाई कुछ तो लिख यार बेटा है तू। तो प्री जज बहुत खतरनाक चीज़ है, एक पैटर्न फॉलो करना बहुत खतरनाक चीज़ है, आई बात समझ में। तो मैप हो गया एम, मोर साइंटिफिक है, मोर साइंटिफिक है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी वगैरह का यूज़ करता है। दूसरा वाइड एप्लीकेशन, ए मतलब एप्लीकेशन, वाइड एप्लीकेशन है, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन में यूज़ करते हैं, और ज़्यादा यूज़ किस में होता है, टी ओ सी इन्वॉइस और कन्फर्मेशन, टी ओ सी कन्फर्मेशन इन्वॉइस, ठीक है। उसके बाद पर्सनल बायस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मोर साइंटिफिक होता है, आई बात समझ में। अदर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में सुइटेबल होता है, रिकमेंडेड होता है, ठीक, और सिलेक्शन हमेशा इसका क्या होता है, नॉट प्री जज, हाँ, लेकिन एक खराब बात है, लग्जरी होता है, अरे लग्जरी है ना, एप्लीकेशन को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, हर महीने पे करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, टेली का सॉफ्टवेयर आता है फ्री में थोड़ी आता है, हाँ, और टेली प्राइम, टेली प्राइम ऑडिट के फीचर्स देता है तुम्हें, टेली के अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जो तुम्हें ऑडिट में हेल्प करते, ठीक है। तो अब तुमने सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया, कंपनी ऑफिस आता है, कंपनी ऑफिस होता है जो टैक्स वगैरह का पेमेंट करने के लिए बहुत ईजी होता है, ठीक है, रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे ईजी सॉफ्टवेयर, कंपनी ऑफिस का यूज़ करके आराम से रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब सुनो, पहले रिटर्न फाइल होता था मैनुअल, मैनुअल के अंदर होता था एक फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म के अंदर लिखा होता था आई टी आर 1, आई टी आर 2, 3, 4,
सहज आईटीआर भर, सहज सुगम, ऐसा ये सैलरी वाले ये आईटीआर भरे, ठीक है ये वाले ये पर्सन ये आईटीआर भरे, ऐसा होता था। अब क्या होता है, अपन मेरे तो देखो बंदा सैलरी वाला है, बिजनेस वाला है, कौन सा है, ठीक है 44 AD में दिखाना है तो आईटीआर 4 जाएगा सुगम, सुगम ठीक है, सैलरी वाला बंदा है सहज जाएगा आईटीआर 1। अब ऐसे अलग अलग फॉर्म जाएंगे, अब पहले तो फॉर्म सेलेक्ट करो बंदे के काम के हिसाब से, ठीक है। अब उसको अलग अलग जगह से इनकम आ रही है तो थोड़ा दिमाग तो यहीं चकरा जाता था बंदे का, तो थोड़े टाइम तो फॉर्म सीखने में लगता था कि कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। अब फॉर्म भरो, कोई कोई इनकम ऐसी होती थी जो एक जगह भरोगे उसको 2-3 जगह और भरनी पड़ेगी सेम अमाउंट को, तो फील्ड दे रखी होती, फील्ड बोलता था ग्रॉस इनकम बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, भरते जाओ भरते जाओ, ब्लैंक खाली होता था ना उसके, भरते जाओ अमाउंट फिल करते जाओ करते जाओ, ऐसे करते रहो। अब क्या हुआ भाई, सॉफ्टवेयर आ गया कंपनी ऑफिस, कंपनी ऑफिस में जो तुम्हें 3 या 4 जगह अमाउंट फिल करना है वो एक ही फील्ड में पूछेगा, कंपनी ऑफिस खुद ही कर देगा फिल, और कंपनी ऑफिस तुमसे सारी इनकम पूछ लेगा भाई कौन कौन सी इनकम है लिख दो, फॉर्म तो हम बता देंगे तुम्हें, फॉर्म की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम अगर सैलरी लिखोगे सैलरी अपने आप आईटीआर 1 ले लेगा, तुम्हें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम सबमिट करने जाओगे तो कोई मैंडेटरी फील्ड खाली रही तो आगे भेजेगा ही नहीं, समझ रहे हो, कोई मैंडेटरी फील्ड खाली रही तो मना कर देगा, वो बोलेगा ये फील्ड खाली है इसको फिल करो, फिर सबमिट होगा, ठीक। तो सॉफ्टवेयर से इतना शानदार काम हो जाता है, अब इतना काम हमारा कम करता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह होती है, एप्लीकेशन वगैरह होती है, इसका पेमेंट करना पड़ता है, तो बस ये एक कमी इसके अंदर ये है कि लग्जरी है, कई बार ऑर्डर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसका, चलो एडवांटेजेस पढ़ेंगे, इसके पहले क्या दे रखा है इन लोगों ने, आओ ये समझ लेते हैं, अब समझने के काम कर लेते हैं फिर वापस चार्ट में जाएंगे, ठीक। सबसे पहला सैंपल साइज एंड इट्स कंपोनेंट्स आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बढ़ जाओ आगे, नॉन सैम्पलिंग में पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज आता है, ठीक है। ये अप्रोच सिंपल है और ट्रेडिशनली इसको यूज करता था ऑडिटर, है ना, क्योंकि आज तो स्टैटिस्टिकल का चलन चल रहा है तो ये उसके हिसाब से ट्रेडिशनल हो गया, लेकिन याद रखना ट्रेडिशनल अलग चीज़ है, वो 100% चेकिंग वाला है, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है ट्रेडिशनल द ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, पहले ऑडिटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से काम करता था, विल डिटरमिन द साइज, सैंपल साइज डिटरमिन करता था, ठीक है, एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म देन द नंबर ऑफ पेजेस, और सैंपल साइज को कैसे डिटरमिन करता था वो, कि भाई ये पेज चेक कर लूँगा या ये महीने चेक कर लूँगा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ऐसे बोलता था मैं मार्च जून सितंबर वाले महीने चेक कर लूँगा एक साल में, अगले साल में दूसरे 3 महीने चेक कर लूँगा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के केस में ऑडिटर का डिटरमिन करने का तरीका क्या होता था, इस साल ये महीने, अगले साल ये महीने, अगले साल वो महीने, ऐसे अलग अलग महीने, अलग अलग महीने रखना पड़ता है, पहले ही बोल दिया पैटर्न चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न का आइडिया क्लाइंट को हो गया तो गए काम से, ठीक है। तो इसमें कैसे काम करता था ऑर्डर, ये पेज सेलेक्ट कर लूँगा, नंबर ऑफ पेज इतने पेज सेलेक्ट कर लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आ रहा काम करने का तरीका, समझ में आ रहा ना, वही बता रहा है बस ये। तो सिंपल है, ट्रेडिशनली ऑर्डर सैंपल साइज वगैरह इससे सेलेक्ट किया करता था अपने अंदाजे से, कि भाई इतना सैंपल अपन रखेंगे, एन अटेम्प्ट वुड बी मेड, अब ये जो काम कर रहा है ना घुमा घुमा के पैटर्न चेंज करने का, एन अटेम्प्ट वुड बी मेड टू अवॉइड पैटर्न, ये पैटर्न अवॉइड करने का काम कर रहा है वो, अलग 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 जो महीने लेना है ना उससे वो क्या कर रहा है पैटर्न अवॉइड कर, क्योंकि पैटर्न बहुत खतरनाक चीज़ है। अब एक कॉमन प्रैक्टिस हमेशा होती है, देखो कुछ चीज़ तो अपन एक्सपीरियंस से करते, ठीक है, और कुछ होता है कस्टमर ट्रेडिशन, कॉमन प्रैक्टिस, कि ये करते आ रहे थे अपन भी यही करते आएंगे, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू चेक लार्ज नंबर ऑफ आइटम, अधिकतर सबसे ज़्यादा चेकिंग जो होती है मार्च में होती है, सबसे खतरनाक महीना है मार्च, ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे एक सबसे बड़े अजर्शन को मार्च ही इफेक्ट करता है, वो है कट ऑफ आइटम्स टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द ईयर, सो दैट द एडिक्वेसी ऑफ कट ऑफ कैन ऑल्सो बी डिटरमिन, सबसे खतरनाक अजर्शन कट ऑफ, सेल करी मार्च में और पहुंचा दी अप्रैल में, ठीक है, सेल है अप्रैल की, बुक कर ली मार्च में, पिक्चर बन जाएगी भैया, हाँ कंप्लीटनेस की पिक्चर बन गई, अकरेंस की पिक्चर बन गई, वो अकर हुआ ही नहीं है तुमने दिखा दिया, और जो अप्रैल में दिखाया तुमने मार्च का था, मार्च में दिखाया नहीं तो मार्च की सेल कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। तो मार्च का अप्रैल में दिखाओ कंप्लीटनेस की हालत ख़राब, अप्रैल का मार्च में दिखाओ अकरेंस की हालत ख़राब, आई बात समझ में, इसका असर भी डेटर में ही पड़ेगा, है ना, अगर मार्च के अप्रैल में दिखा दोगे डेटर बुक ही नहीं करोगे,
अप्रैल के मार्च में दिखा दोगे बिना मतलब का डेटा बुक हो गया, आई बात समझ में, वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था मार्च में, ठीक है, तो एक्सिस्टेंस का खतरा, राइट एंड ऑब्लिगेशन का खतरा, आई बात समझ में। चलो तो हम लोग अधिकतर ट्रांजैक्शन कॉमन प्रैक्टिस होती है, कॉमन प्रैक्टिस कि हम लोग एंड के अंदर, क्लोज ऑफ द ईयर के अंदर भयंकर चेकिंग करते हैं, ऑल्सो बिकॉज ईयर एंड ट्रांजैक्शन आर प्रोन टू हाई रिस्क। वो मैंने तुम्हें पहले कहा था ईयर एंड के ट्रांजैक्शन में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, सारे टारगेट अचीव करने का काम ईयर एंड में ही होता है। जैसे ही मार्च आया, अब देखा अपन ने, ऐसे ही पढ़ाई के साथ ले लो तुम्हारी, तुम कितनी मक्कारी कर लो, अब तुम्हारी मक्कारी को ख़त्म करने का अब महीना आया, जैसे दिसंबर जैसे ही आएगा, वो दिसंबर है मक्कारी ख़त्म करने का महीना, उसमें तो तुम ऐसा भयंकर पढ़ाई करोगे पूछो ही मत, ठीक है, तुम पूरी कोशिश करोगे कि कंपनसेट कर दे हमारी मक्कारी को, दिसंबर से पूरी मक्कारी क्या कर दे, कंपनसेट, मगर तुम समझो एक महीना इतनी मक्कारी को कंपनसेट नहीं कर सकता। अभी दिवाली आने वाली है, सेलिब्रेट करना मगर पढ़ाई भी करना होते हैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो एक दिन दिवाली के चक्कर में, मतलब दिवाली तो सेलिब्रेट करना मना नहीं कर रहा, त्यौहार है अच्छे से सेलिब्रेट करना, लेकिन ऐसा इतना सेलिब्रेट भी मत कर लेना कि दिन भर दिवाली में लगे पड़े हो और उसके बाद की सारी दिवाली ख़राब कर दो, ठीक है, ऐसा सेलिब्रेट करना कि हर दिन दिवाली बन जाए तुम्हारे लिए एग्ज़ाम के बाद, क्या बन जाए, इतने फटाके मत फोड़ना कि फोड़ दो दिवाली में और आवाज़ सुनाई दे एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है, गूंजने लग जाए तुम्हारे दिमाग में फटाके की आवाज़, ठीक। तो याद रखना अमन को त्यौहार सेलिब्रेट करना है, साथ में एग्ज़ाम भी एक त्यौहार है और सबसे भारी त्यौहार है, ठीक है, उसको एक बार पार कर जाओगे तो फिर त्यौहार ही त्यौहार है, फिर तुम्हारी खुशी को कोई नहीं रोक सकता, और सीधा 2 साल के बाद देखने को मिलेगा किसका मुंह, एग्ज़ाम का मुंह, 2.5 साल भैया, 2.5 साल के बाद देखना मिलेगा एग्ज़ाम का शक्ल तुम्हारा, तुम्हें उसके बाद सीधा कोई लोचा लवाजा कुछ भी नहीं, मज़ेदार काम, हाँ मेहनत चलेगी, ऐसा नहीं मेहनत ख़त्म हो जाएगी, मगर टेंशन नहीं होगा ऐसा, क्योंकि एग्ज़ाम देखने को मिलना ही नहीं है अभी, बस एक बार पास कर लिया ख़त्म। तो कबीर जी ने कहा था कि पढ़ना सब करे मगर पढ़ना ना जाने कोई, पढ़ना सब करे मगर पढ़ना ना जाने कोई, एक बार ऐसा पढ़ो कि फिर पढ़ना ना होए, ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं कि पढ़ना सब करे मगर पढ़ना ना जाने कोई, ऐसा पढ़ना मत पढ़ो कि फिर पढ़ना होए, ठीक है। वैसे कबीरदास जी से ये नहीं बोला था, मरना बोला था उन्होंने, तो आ जाओ बेटा, वो मरने में भी लगता है वो पढ़ने में भी लगता है, हाँ मरने का सुनाओ, मरना सब करे मगर मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। अब इसमें कोई रास की बात है ये वीडियो के बाद बताऊंगा, ऐसा क्यों बोला ये समझ में नहीं आएगा तुम, अच्छे कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो ये साइकिल चलती रहेगी, मरते रहना पड़ेगा, ठीक है। उनका लेवल बहुत हाई था, वो बहुत भयंकर बातें जानते थे, तो उसने ये बनाया दोहा, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, कोई छोटी मोटी लाइन नहीं बोली उन्होंने, ठीक है। अब इस लाइन पे चर्चा अपन बाद में करेंगे तो सैम्पलिंग रह जाएगा, हाँ आ जाओ बेटा वापस आते हैं यहाँ पर। क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड डेट इट इज़ नाइदर ऑब्जेक्टिव नॉर साइंटिफिक, बढ़ जाओ आगे। डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी एश्योर्ड बिकॉज द रिस्क ऑफ पर्सनल, पहले ही बोल दिया, नाइदर ऑब्जेक्टिव है नॉर साइंटिफिक है, ना ही ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब कोई इन्फॉर्मेशन में बेस होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन में बेस हो रही है, पर्सनल एक्सपीरियंस में बेस है, तो नाइदर ऑब्जेक्टिव नॉर साइंटिफिक, कोई साइंटिफिक तरीका का यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, हर चीज़ तो अपनी नॉलेज से कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी वगैरह का कोई यूज ही नहीं कर रहे तुम लोग, साइंटिफिक कैसे हुआ, तो ना ही ऑब्जेक्टिव है ना ही साइंटिफिक है। डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी अश्योर्ड बिकॉज द रिस्क ऑफ, एक ही चीज़ को घुमा घुमा के लिख रहा है, घुमा। मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी इन सम केसेस मे बी अ लग्जरी विद द ऑर्डर कैन नॉट अफोर्ड, समझो इसका मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें, ये इससे समझ में पूरा लाइन से समझाता हूँ तुम्हें मतलब। हाउ एवर, देखो इस लाइन का शॉर्ट में मतलब इतना है कि स्टेटिस्टिकल तरीका लग्जरी होता है, बस शॉर्ट में ही है। अब ये लाइन पूरी समझाता हूँ लिखा हुआ क्या है। हाउ एवर इट मे बी स्टेटेड द ऑर्डर विद हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस कैन इवेल्युएट एक्यूरेटली इनफ द सैम्पल फाइंडिंग्स,
टू मेक द ऑडिट डिसीजन। भैया ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस वगैरह से, जो उसने क्लाइंट के बिजनेस का एक्सपीरियंस नॉलेज लिया ना, उसके हिसाब से, एक्सपीरियंस नॉलेज के हिसाब से कैन इवेल्युएट, इवेल्युएट कर सकता है एक्यूरेटली इनफ, अच्छा खासा इवेल्युएट कर सकता है एक्सपीरियंस से। यानी तारीफ की जा रही है किसकी, सैम्पलिंग या नॉन सैम्पलिंग की, नॉन सैम्पलिंग की तारीफ की जा रही है कि उसकी नॉलेज से एक्यूरेटली, अच्छा खासा, जितना एक्यूरेटली उस कर सकता हो होना चाहिए वहाँ तक ले जाता है वो, मतलब अच्छे से एक्यूरेटली क्या कर सकता है वो, इवेल्युएट कर सकता है सैंपल को, ठीक है। एंड द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, अब उसके काम में क्या नहीं आएगा, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अगर वो ये चाहता है तो उसको किसका यूज करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का। तो अब देखना क्या बोलता है, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी यानी कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, बेटा इसका मतलब है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, ये बात याद रखना बस, ठीक है, क्योंकि उसमें ही होता है मैथमेटिकल प्रूफ, अपने इसमें मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, नॉन स्टैटिस्टिकल में मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता। तो ये जो वर्ड लिखा है ना उसने, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी मतलब है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, इन सम केसेस मे बी लग्जरी विद द ऑर्डर कैन नॉट, तो मैंने शॉर्ट भाषा में, सिंपल भाषा में लिख दिया भाई, लग्जरी होता है ऑर्डर कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड नहीं कर पाता उसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अभी तुम लोगों ने पढ़ा नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, सैंपल साइज और कंपोजिशन, ये दोनों के दोनों, सैंपल साइज 100 का सैंपल लू या 200 का लू, और सैंपल को लेना, सेलेक्ट करने को कंपोजिशन बोलते हैं, कंपोजिशन समझते हो ना, सैंपल में क्या क्या आ रहा है, ठीक है, वो सेलेक्ट करने से आता है, यानी कि साइज डिसाइड करना और सैंपल सेलेक्ट करना, साइज डिसाइड करना और सैंपल सेलेक्ट करना, दोनों किस पे बेस होते हैं, सिंपल है, ट्रेडिशनल है, और ट्रेडिशनली इसका यूज करता था ऑडिटर, एग्जाम्पल दे रखा है ये 3 महीने का, ये 3 महीने का, ठीक है, ये महीने चेंज क्यों कर रहा है, टू अवॉइड पैटर्न, ठीक है, तो सिंपल है, ट्रेडिशनल है और एग्जाम्पल दे रखा है, चेक मोर एट अ क्लोज ऑफ द ईयर फॉर कट ऑफ बिकॉज ऑफ, फिर बोलता है भाई सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल, क्या है सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल में होता था 100% चेकिंग इज, और 100% चेकिंग होने पर भी नॉट प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो, तब भी रीजनेबली प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस, ठीक है। तो अनइजी होने के कारण हमने इसको हटा करके, ट्रेडिशनल को हटा करके क्या लिया है, सैम्पलिंग लिया है। देखो यही बात बोल रहा है, नॉट कंक्लूसिव, कंक्लूसिव नहीं होता, रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, इवन 100% चेकिंग करेंगे तो भी रिस्क कम नहीं होगा, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन कभी भी अपटोन नहीं होगा, अनइजीनेस की वजह से, दिस स्टेट ऑफ अनइजीनेस, इस डिफिकल्टी की वजह से हम 100% से कहां पर शिफ्ट हो गए, ऑडिट सैम्पलिंग पे, कहां शिफ्ट हो गए, लैक प्रैग्मेटिक ऑडिटर, प्रैग्मेटिक ऑडिटर का मतलब होता है प्रैक्टिकल ऑडिटर, समझदार ऑडिटर, इंग्लिश सिखा रहे हैं तुम, ये ट्रेडिशनल की बात कर दी। अब 100% चेकिंग इजी नहीं होती, प्रोवाइड नहीं करता कंक्लूसिव एविडेंस और रिड्यूस नहीं करता रिस्क को जीरो, यानी कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो जब करेगा ही नहीं तो क्या मतलब आया 100% चेकिंग करने का। फिर बोलता है सैंपल इज, अब सैंपल की बात कर रहा है बेटा, सैम्पलिंग ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल की बात कर रहा है, सैम्पलिंग की कर रहा है, सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर अपन फ्यू कंट्रोल को टेस्ट करते, ठीक है, कुछ कंट्रोल को टेस्ट कर लिया सैंपल बेसिस पे और सैंपल साइज को डिजाइन करते टीओडी के लिए, कंट्रोल को चेक करके सैंपल साइज को डिजाइन करते, क्या मतलब मुझे बताओ, कंट्रोल अगर इफेक्टिव है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो सैंपल साइज ज्यादा है कम, कम, सिंपल सी बात, तो ये लाइन समझ में आई। अगर कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है, स्मॉलर साइज, कंप्लीट रिलायबिलिटी नेवर ब्रिंग, एक बात याद रखना, यहां बोल रहा है ट्रेडिशनल खराब है, यहाँ बोल रहा है सैम्पलिंग अच्छा है, ठीक है, यहाँ बोल रहा है सैम्पलिंग क्यों खराब है, ट्रेडिशनल के कंपेयर में क्यों खराब है, इसलिए खराब है कि कंप्लीट रिलायबिलिटी कभी नहीं देगा सैम्पलिंग, तुम्हें कंप्लीट रिलायबिलिटी
आई बात समझ में, एग्जैक्ट एक्यूरेसी कभी नहीं मिलेगी, नेवर मीनिंग प्रिसाइसली एक्यूरेट रिजल्ट कैन नॉट गिव और हैव सम, तो तुम्हें कभी कंप्लीट रिलायबिलिटी नहीं देगा, एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, कंप्लीट रिलायबिलिटी एग्जैक्ट एक्यूरेसी दो, और तीसरा ह्यूमन एरर के चांस रहेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बता रहा है सैम्पलिंग की कुछ खराबी, ठीक है, ये था ट्रेडिशनल। और ये अब आगे बढ़ते क्या आया, ये पढ़ाई चुका हूं मिले, आ जाओ फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, ये समझते क्या है, ज्यादा चेकिंग करूं या कम डिपेंड करता है इनके ऊपर, डीटी के सर यानी कि मुर्दा सर पे डिपेंड करता है ज्यादा काम करना है कम, आ जाओ बेटा। तो डीटी के सर पे डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, सबसे पहले डी डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, बेटा डिजायर्ड कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में पड़ता है डिजायर सेल, हम कितनी सेल चाहते हैं, डिजायर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है हम कितना कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो डिग्री ऑफ डिजायर कॉन्फिडेंस, अगर तुम ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हो तो सैंपल साइज एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ज्यादा, अच्छा कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहते तो काम कम करें, पढ़ाई ज्यादा करने से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कम करने से, ये क्या कर रहे हो भाई साहब, ये तो सिंपल बातें है ना, कॉन्फिडेंस ज्यादा डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग यानी कि सैंपल साइज, पहले बता चुका हूँ एक्सटेंट ऑफ चेकिंग यहाँ पर सैंपल साइज है, ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग समझ गए। टॉलरेबल एरर, अब टॉलरेबल एरर क्या होता है बेटा, देखो मेरी बात सुनो, हम लोग ऐसे 320 के हिसाब से क्या सेट करते हैं, मटेरियलिटी, क्या सेट करते हैं, मटेरियलिटी सेट करते हैं, मटेरियलिटी मतलब जो मैंने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करी, ठीक है, जैसे मैंने सेट किया 50,000 या 1,00,000, मैंने 1,00,000 सेट किया मान लो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, तो 1,00,000 के ऊपर जो भी एरर होंगे, ठीक है, उन सबको मैं ले लूँगा, मिस स्टेटमेंट को नोट कर लूँगा सारी कि भाई ये मिस स्टेटमेंट है, ये मिस स्टेटमेंट है, अब सारी मिस स्टेटमेंट नोट करने के बाद देखूंगा कि ये इंडिविजुअली मटेरियलिटी लेवल के ऊपर जा रही है क्या, या एग्रीगेट मिलकर मटेरियलिटी लेवल के ऊपर जा रही है क्या। अब अगर मान लो 1,00,000 परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है, 5,00,000 मटेरियलिटी है, ठीक है, मटेरियलिटी 5,00,000 है, तो अब जो भी मिस स्टेटमेंट 1,00,000 के ऊपर जाएगी, परफॉर्मेंस के ऊपर जाएगी, उसे मैं नोट कर लूँगा, कर लिया नोट। अब जैसे कोई 1,00,000 के ऊपर गई, मतलब 2,00,000 पे गई, कोई 3 पे गई, कोई 1.5 पे गई, कोई 6 पे गई, अब 6 वाली तो मटेरियलिटी के भी ऊपर चली गई, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और जो 1,00,000 है, 2,00,000 है, 1.5 लाख है, ठीक है, वो मटेरियलिटी के ऊपर नहीं गई, तो इंडिविजुअली तो मटेरियल नहीं है वो। अब ऐड करके देखूंगा, क्या ऐड करके 5,00,000 के ऊपर जा रही है क्या, समझ में आया। तो पहले तुम एक डिसाइड तो करो कि तुम लोग, देखो गलती तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, मिस स्टेटमेंट, हमें मिस स्टेटमेंट से मतलब है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मतलब है। तो मटेरियलिटी लेवल अगर तुम ज्यादा रख रहे हो, ज्यादा रख रहे हो, ठीक है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इतने हद तक तुम स्टेटमेंट सह लेंगे, इतना तो सह लेंगे, आई बात समझ में, इसे बोलते हैं टॉलरेबल एरर। नहीं हाँ सॉरी, अरे यार ये इसे बोलते हैं टॉलरेबल एरर बोल रहा है ये, इसको बोलते हैं टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलो अभी टॉलरेबल एरर बोल रहा है यहाँ पर, आगे फिर आएगा, दोबारा आएगा, ठीक है, अभी बोल रहा है टॉलरेबल एरर, आगे दोबारा आएगा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, इस नाम से आएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, टॉलरेबल एरर। अगर तुम ज्यादा टॉलरेट कर सकते हो, ज्यादा टॉलरेट, तो सैंपल साइज ज्यादा है कम, हाँ कम, अगर तुम एग्जाम के मार्क्स में ज्यादा टॉलरेट कर सकते हो, कि ठीक है कोई बात, कोई बात नहीं, मतलब ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, कोई बात, तो कम नंबर चलेंगे या नहीं चलेंगे, टॉलरेट कर ही सकते, नहीं इससे कम तो नहीं होना चाहिए, इससे मैं तो टॉलरेट करूँ ही ना, बिल्कुल कम नंबर को तो मैं टॉलरेट करूंगा ही नहीं, ठीक है, अब ज्यादा ही चाहिए। कुछ बच्चे तो नंबर तो दूर की बात, फेल को भी टॉलरेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एक दो बार फेल टॉलरेट कर लो, इतना तो मैं सह लूंगा, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, फेल हुआ कोई टेंशन नहीं है, दूसरी बार हुआ कोई टेंशन नहीं है। एक बात याद रखना, CA फाइनल में जाते जाते टॉलरेबल रेट बढ़ जाती है, ठीक है, और फाउंडेशन में सबसे कम रहती है, फाउंडेशन में तो फेल होना ही नहीं है, आई बात समझ में। बच्चे का माइंड सेट ऐसा होता है कि भाई फाउंडेशन में फेल नहीं होना, उसके बाद इंटर आता है
तो पता नहीं कहाँ से दिमाग में बात आ जाती है कि अब इंटर है, ठीक है, अधिकतर बच्चे फेल होते हैं क्योंकि इंटर का रिजल्ट कम है तो अधिकतर बच्चे फेल हुए ना, तो एक बात दिमाग में आ जाती है, टॉलरेबल रेट बढ़ जाती है बेटा तुम्हारी। बारहवीं में तो कोई मरते दम तक भी टॉलरेट ना करे, और बारहवीं में तो क्या घर वाले बिल्कुल ऐसे सुनते ही बारहवीं बच्चा फेल हो गया भाई, हालत खराब हो जाए उनकी, सारे बेहोश घर वाले, बारहवीं फेल बताओ यार, पर उसको लगता है बारहवीं फेल तो क्या ही कर लेगा ये, ठीक है। और आईपीसीसी या सीए फाइनल में फेल तो बच्चा खुद ही बोलता है पहला अटेम्प्ट है, तो पहला अटेम्प्ट था, टॉलरेबल रेट ज्यादा है, ठीक है, तो कम भी बर्दाश्त कर देगी। हाँ लड़का कह रहा है ट्वेल्थ फेल आईपीएस यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बन सकता है ना। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक्सेप्शन को याद रखो, ऐसे जिंदगी में अपन आगे बढ़ेंगे, आओ काम की बात कर ले, ट्वेल्थ फेल होके बना ना, वो यूपीएससी क्लियर किया ना, अपन को इंटर पास होना है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ना इंटर फेल होकर अपन सीए फाइनल पास कर लेंगे एक बार में, आ जाओ चलो। कभी कभी दुर्घटना इतना अफेक्ट कर जाती है कि एक जोश आ जाता है अंदर, ठीक है बेटा, मैं उल्टा सीधा ज्ञान तुम्हें देना पसंद नहीं कर रहा, ये बात को कोई तुम अपने जीवन में अप्लाई मत कर लेना, आ जाओ। टॉलरेबल एरर, ये हो गया बात, टॉलरेबल एरर क्या होता है, ज्यादा सेलेंगे तो सैंपल साइज है ना, सेलेंगे इतना तो, साइज कौन सी साइज बेटा, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी की साइज, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, आईसी एडुकेसी, सॉरी स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे से ऑपरेट हो रहा है, सैंपल साइज कम, रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बहुत रिलायबल है कम, अरे रिकॉर्ड रिलायबल है तो कम लो, रिलायबल है भरोसेमंद रिकॉर्ड है तो उसमें कम टेस्टिंग भी चलेगी, उसमें थोड़ी ज्यादा करना है, एक्सटेंड ऑफ चेकिंग ज्यादा थोड़ी करना है, ठीक है। चलो अब ये समझ गए, डीटी के सर, डी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, टॉलरेबल एरर, एस साइज, इंटरनल कंट्रोल, आर रिलायबिलिटी, ठीक है डीटी के सर। चलो अब इससे ही बन लेते अपन, आ जाओ एडवांटेज के अंदर आते, सबसे पहले एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज यहां से पढ़ लेते हैं, फिर वहां से याद कर लेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ टेस्टिंग, मेरा पहला समझने में ध्यान देना, टिक लगाने में ध्यान मत देना, नहीं तो मैं बिना टिक वाला ले आऊंगा कल पीडीएफ। अमाउंट ऑफ टेस्टिंग बहुत शानदार चीज, डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ द एरिया, यानी कि यूनिवर्स टेस्टेड, क्या मतलब समझो, अगर 10,000 पॉपुलेशन है तो मैंने 100 सैंपल लिए, 10 में 100 लिए, सुन रहे सारे बच्चे, 10 में 100 लिए सैंपल, तो 20 में कितने लूंगा, 200 ही लूँ, बस 200 ही लूँ, क्योंकि 10 में 100 लिए तो 20 में 200 ही लूँ क्या, नहीं याद रखना, कभी भी सैंपल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, ये बात याद रखना, ठीक है। यही तो सबसे अच्छी बात है स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग की, स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग कभी भी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सैंपल को नहीं बढ़ाएगा, कि पॉपुलेशन 10 तो सैंपल 100, पॉपुलेशन 20 तो सैंपल 200, पॉपुलेशन 100,000 तो सैंपल 1,000, ऐसे कभी नहीं बढ़ाएगा, चक्कर बढ़ जाएगा ऐसे बढ़ाने में, ठीक है। अगर मान लो 1,000 में से तुमने 50 लिए, 1,000 बिल में से 50 लिए, तो 100,000 में से 5,000 लोगे क्या, नहीं ना, आई बात समझ में, क्या बोला, 1,000 में से 50 लिए तो 1,000 में से 100,000 में से 5,000 लोगे क्या, नहीं, 100,000 में से हो सकता है तुम लोग 400-500 लो, तो क्या 1,000 में से 50 और क्या 100,000 में से 500 प्रोपोर्शनली बदला क्या, नहीं। ये सबसे अच्छी बात है, पॉपुलेशन के हिसाब से सैंपल साइज में चेंज नहीं आता, ये बात समझ गया तो आगे बढ़ू, समझ गया, मोर ऑब्जेक्टिव है भाई, मोर ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, डिफेंसिबल क्या है, अगर तुम्हें डिफेंस करेगा लो सूट के अगेंस्ट में, हाँ कोई तुम्हारे अगेंस्ट में केस करके कर दिया तुम्हारे अगेंस्ट में तो डिफेंसिबल है, तुम बोलोगे भाई ये देखो ये सॉफ्टवेयर पूरा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, पैसा दिया इसके लिए, हाँ पूरा रिस्क असेस वगैरह करके इसमें फीड किया, उसे सैंपल साइज दिया, ठीक है बंदा पर्सन, एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज एसोसिएटेड विद द सैंपलिंग, रिस्क से एसोसिएट करके कम से कम सैंपल साइज देने की कोशिश करता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग,
समझे बात को, रिस्क से एसोसिएट करके जोड़ करके पूरी कोशिश करता है ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कम से कम सैंपल साइज रखने की, ठीक है, आई बात समझ में, कम से कम सैंपल साइज रखता है, रिस्क के हिसाब से सैंपल साइज को कैलकुलेट करता है, रिस्क और पॉपुलेशन के हिसाब से कई सारे फैक्टर लेता है, ठीक है, मेनली रिस्क के हिसाब से करता है कैलकुलेशन सैंपल साइज का, तो पूरी कोशिश करता है कि रिस्क के हिसाब से सैंपल साइज को कम से कम रखा जाए, कम से कम, ये भी एक एडवांटेज है। इट प्रोवाइड्स अ मीन फॉर ड्राइविंग अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी पढ़े थे ना, कहा था कैलकुलेटेड रिस्क है एंड करेस्पॉन्डिंग प्रिसिजन, चलो आ जाओ, प्रोवाइड अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मार्स ऑफ डेटा, बहुत बड़े डेटा का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है ये, बेटर डिस्क्रिप्शन मतलब ये डेटा को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करेगा, सबसे अच्छा डिस्क्राइब करेगा मतलब सैंपल को सबसे अच्छा क्या बनाएगा, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, ये सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया पॉपुलेशन को इसने, ठीक है, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोलूं तो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा उसको। सिंस नॉन सैंपलिंग एरर सच एज प्रोसेसिंग एंड क्लेरिकल मिस्टेक आर नॉट एज लार्ज, और एक और अच्छी बात, नॉन सैंपलिंग एरर भी कम होते हैं यहाँ पर, अरे ऑटोमेटेड काम है, ठीक है, तो नॉन सैंपलिंग एरर सच एज प्रोसेसिंग एंड क्लेरिकल मिस्टेक, भैया हमने गलत प्रोसेस कर लिया, 1 लाख को गलती से 10 लाख बोल देख लिया, ठीक है, तो ऐसे कोई भी प्रोसेसिंग को क्लेरिकल मिस्टेक को हटा देता है, ठीक है। वाइडली एक्सेप्टेड वेज ऑफ सैंपलिंग एज इट इज मोर साइंटिफिक, वाइडली एक्सेप्टेड क्यों है, ऊपर भी पढ़ते वाइड एप्लीकेशन, मोर साइंटिफिक विदाउट पर्सनल बायस, फिर बोलता है ये भी देख लो, कभी कभी क्या होता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग सही नहीं होता, अब डिसएडवांटेज बता रहे हैं यहाँ पर, एडवांटेज बता दिया ऊपर, यहाँ डिसएडवांटेज बता रहे हैं, कब सही नहीं होता, पहला जब दूसरा ज़्यादा सही हो, सिंपल सी बात है यार, स्टैटिस्टिकल कब सही नहीं होगा, जब उसके अलावा दूसरा ज़्यादा सही हो, जैसे दूसरा मतलब कहीं पे बिल कम है तो 100% चेकिंग कर सकता हूँ, मान लो लार्ज वैल्यू आइटम की 100% चेकिंग कर सकता हूँ, उसके बिल ही कम है, फिक्स एसेट परचेस की बिल की 100% चेकिंग कर सकता हूँ, इतने किसने फिक्स एसेट परचेस कर लिया होगा साल भर के अंदर, ठीक है, तो अगर बिल कम है मान लो तो 100% चेकिंग कर सकता हूँ, तब जहाँ पर 100% बेस्ट है तो वहाँ पर सुइटेबल नहीं, तो ये कह रहा है नॉट अप्रोप्रिएट नॉट सुइटेबल, कहाँ पर, जहाँ पर 100% बेस्ट है, दूसरा मेथड बेस्ट हो, दूसरा जहाँ पर नॉलेज कम हो, अरे बंदे को नॉलेज भी तो होनी चाहिए पूरा अच्छे से, क्लाइंट की एंटिटी वगैरह सबकी नॉलेज हो, यानी कि अपना आर्टिकल गया तो आर्टिकल के लिए बहुत डिफिकल्ट काम है ये, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वगैरह तो सीए अपने मेन एंगेजमेंट पार्टनर सीए ने करी है, ठीक है, और सीए ने उनको बताया तो आर्टिकल के पास नॉलेज कम होती है तो उसको दिक्कत आती है इसके अंदर। उसके बाद एग्जैक्ट एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो कि भाई एक्यूरेटली होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वहाँ पर सुटेबल नहीं है उसके अंदर 100% चेकिंग करो, ठीक है, साथ में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो लीगल रिक्वायरमेंट भी है, तो जहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर भी 100% करनी पड़ती है, सैंपल बेसिस पे नहीं कर सकते, लीगल रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, और क्या बोला, एक्यूरेसी चाहिए हो, एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए हो, तो वहाँ पर 100% मतलब ये सुटेबल नहीं होता, 100% सुटेबल होता है, तो ये कहाँ पर सुटेबल नहीं होता, पहला जहाँ पर दूसरा सुटेबल होता है, दूसरा वेन एग्जैक्ट एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, और इन केस ऑफ, दोनों का एक ही एग्जाम्पल दिया, आरपीडी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है, नो नॉलेज और सर्कमस्टांसेस यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बिकम कॉम्प्लेक्स एंड इनअप्रोप्रिएट, ऐसे सर्कमस्टांसेस जब स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का यूज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या अप्रोप्रिएट नहीं है, देखो बेटा जहाँ पर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का यूज करना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी जहाँ पर तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस से लगता है कि मेरे को ये चीज़ चेक करनी चाहिए, तुम्हें लगता है कि मार्च बहुत खतरनाक महीना है इसमें तो मेरे को 100% चेकिंग करनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इसके भरोसे नहीं रह सकते, तो जहाँ पर तुम्हें लगता हो तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि ये इनअप्रोप्रिएट है तो फिर तुम वहाँ पर स्टैटिस्टिकल को अप्लाई नहीं करो। एडवांटेज स्टैटिस्टिकल सैंपल के, मीन्स टू रिड्यूस मोर इनटू मिनिमम, मोर को मिनिमम में कम कर देता है, ऐसा होता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ऐसा मीन है जो रिड्यूस करता है मोर को, है ना, पॉपुलेशन में सैंपल हो गए तो मोर मिनिमम में रिड्यूस होगा ना, तो मोर को रिड्यूस करता है इनटू मिनिमम प्रोपोर्शन, और अभी कैसे करता है रिड्यूस, विदाउट पर्सनल बायस, ठीक है, मीन्स टू रिड्यूस मोर इनटू
मिनिमम प्रोपोर्शन, और अभी बस ये लाइन याद रहेगी, पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहला था मींस, मींस फॉर ड्राइविंग कैलकुलेटर इज, दूसरा था रिड्यूस, रिड्यूस नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। फिर आता है मोर, मोर ऑब्जेक्टिव एंड, फिर आता है मिनिमम, मिनिमम सैंपल साइज रिलेटेड टू स्पेसिफाइड रिस्क। फिर आता है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में लिखा सैंपल साइज प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होती, नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसने अलग तरीके से लिखा है, मैंने अलग तरीके से लिखा है। नो पर्सनल बायस, बायस नहीं आते, क्यों? क्योंकि 500 बार पढ़ चुके हैं, 1000 बार पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ मोर साइंटिफिक, जितना ज़्यादा साइंटिफिक है इसलिए पर्सनल बायस नहीं है। ऊपर भी यही पढ़ा था सेम। तो सैम्पलिंग ऐसा मीन है जो रिड्यूस करता है मोर को मिनिमम प्रोपोर्शन में विदाउट मीन, टू रिड्यूस मोर इनटू मिनिमम प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन विदाउट पर्सनल बायस। कितने हो गए? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ यूज नहीं कर सकते? जहां पर एक्यूरेट लीगल नॉलेज की जरूरत हो, वेर एक्यूरेट लीगल नॉलेज इज, एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए हो तो ये अप्रोप्रिएट नहीं, नॉट अप्रोप्रिएट। कहां पर? एग्जैक्ट एक्यूरेसी के केस में, इन केस ऑफ, नॉट अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ, एग्जैक्ट एक्यूरेसी नॉट अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ, एग्जैक्ट एक्यूरेसी लीगल रिक्वायरमेंट, नो नॉलेज, अदर इज नेसेसरी और बेटर, ठीक है। तो वेयर एक्यूरेट लीगल नॉलेज इज नेसेसरी, वहां पर इसे यूज नहीं करना। वेयर एक्यूरेट, चाहे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए हो, लीगल, लीगल रिक्वायरमेंट हो, नॉलेज ना हो, और नेसेसरी, जहां पर दूसरा नेसेसरी हो, दूसरा प्रोसेसर नेसेसरी, ठीक है। वहां पर हाँ, एक्यूरेसी मतलब होता है, छोटी कक्षा में तुम पढ़ते थे सेंसर और सैंपल, ठीक है। तो सेंसर सैंपल में यस तुम देखते थे कि अगर मान लो गवर्नमेंट को कोई चीज़ बिल्कुल, किसी का रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए हो, जैसे पोलियो की 2 बूंद, कोई बच्चा बाकी ना रहे, इसका सरकार कौन सा सर्वे करवाएगी, सेंसर या सैंपल? सेंसर, सिंपल बात है, कुछ एरिया के बच्चों को चेक करके पूछ लिया, भाई तुमने पोलियो की दवाई ली? हाँ ली, ठीक है चलो कोई बात है, सब नहीं ली होगी, जनरली ये एरिया कवर हो, नहीं, एक बच्चा, सरकार का एम है एक बच्चा भी छूटना नहीं चाहिए। ये रिजल्ट गवर्नमेंट को बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होता है, 100% चेकिंग, आई बात समझ में? अच्छा, तो एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए हो तो फिर ये सही नहीं होता, सैंपल सही नहीं होता, ठीक। डी टी के सर, डी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस और टॉलरेबल, ठीक है। सर, साइज ऑफ एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल का स्टेट, रिलायबिलिटी, ठीक है। हाँ, तो रिलायबिलिटी ज्यादा हो तो सैंपल साइज कम चलेगी, और रिलायबल रिकॉर्ड्स हो, रिकॉर्ड्स रिलायबल हो, ठीक है। डी टी के सर, उसके बाद सैम्पलिंग अच्छा है क्या? हाँ, क्यों? मीन्स टू रिड्यूस मोर इन टू मिनिमम प्रोपोर्शन विदाउट, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर सही नहीं है सैम्पलिंग, कहाँ अच्छा है और कहाँ अच्छा नहीं है? वेयर एक्यूरेट लीगल नॉलेज इज नेसेसरी, एक्यूरेट लीगल नॉलेज इज नेसेसरी, ठीक है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के अंदर एक चीज बच जाती है, क्रिटिसिज्म, आओ इसकी बुराई कर ले, किसकी? नॉन स्टैटिस्टिकल पढ़े ना, पर्सनल एक्सपीरियंस वाला, इसकी बुराई कर ले थोड़ा। नाइदर ऑब्जेक्टिव नॉर डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी अश्योर रिस्क ऑफ, ये इसकी बुराई है जो अपन ने वहां देखा था ऊपर टेक्स्ट में। चलो, फिर ये सब हो गया था अपना, फिर ये भी हो गया अपना, 7 पेज कंप्लीट यहां तक। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा, क्या? हाँ हाँ, पढ़ रहे ना, पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुनो, अरे अरे पढ़ रहे हैं अपन यार, आओ मेरी बात सुनो। अपन ने अप्रोचेस और टाइप पढ़े, उसके अंदर अपन ने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में 3 चीज़ पढ़ी, 3 वो बॉक्स बना के दे रखे थे उसने, ये 3 चीज़ अपन ने पढ़ी। उसके बाद फीचर्स में पढ़ा मैप, मैप तो रही है अपना, एम मतलब मोर साइंटिफिक, ए मतलब वाइड एप्लीकेशन, पी मतलब पर्सनल बायस और अदर्स, ठीक है। तो अदर के अंदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में रिकमेंडेड होता है सेक्शन नॉट प्रीजस्ट, चलो खराब बात लग्जरी होता है,
एडवांटेज हो गया। अब पता पड़ गया अपन ने क्या क्या पढ़ा, एडवांटेज पढ़ा, ये एक तरीके से डिसएडवांटेज मान लो, डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये नॉन स्टैटिस्टिकल पढ़ा, ये सेमी ट्रेडिशनल पढ़ा, इससे पढ़ लेना, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कीवर्ड है सारे, इससे यही लिख देना बस खत्म, काफ़ी यही है। हाँ ये भेज दूंगा मैं, सैम्पलिंग मेरा कंप्लीट हो जाए, बस सैम्पलिंग कंप्लीट करके भेज दूंगा तुम, इसका बाकी अभी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा काम हो गया इसके बाद का, ठीक है, थोड़ा सा और बाकी, यहाँ तक का भेजूँ, ठीक है यहाँ तक का भेज। दूसरा टॉपिक सेलेक्ट अपना आता है सैम्पलिंग प्रोसेस, सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस है सैम्पलिंग का, पहले होता है डिज़ाइन, उसके बाद सैम्पल साइज डिसाइड करते हैं, फिर सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, साइज ही पता नहीं होगा, सेलेक्ट कितना करोगे कैसे पता पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करने पर सेलेक्शन के ऊपर क्या परफॉर्म करते हैं, ऑडिट, ये परफॉर्म करते हैं, ये परफॉर्म करके फिर डेविएशन पता पड़ता है उसका नेचर और कॉज, ठीक है, फिर डेविएशन को प्रोजेक्ट करते पॉपुलेशन के ऊपर और इवेल्युएट करते रिजल्ट ऑफ, ये पूरा सैम्पलिंग प्रोसेस बनाएंगे। सैम्पलिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है सैम्पलिंग डिज़ाइन से, याद रखना बेटा, इंटरनल कंट्रोल को करते डिज़ाइन, उसके बाद करते, अरे मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल को क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस, 5% है, चलो बेटा ये अपन यहाँ से सैम्पलिंग प्रोसेस बढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस समझा दूंगा मैं तुम्हें सैम्पलिंग का कल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।